हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई गेस गेटवेज। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो जेके पीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर सिविल इंजीनियरिंग का एग्जाम हुआ है कल, उसके क्वेश्चंस को हम लोग विथ रेफरेंसेस ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट थी कि मैं उनको ब्रीफ में डिस्कशन करूँ, सो दैट दे कैन नो किन क्वेश्चंस में उनको डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। सो विल बी डिस्कसिंग द कम्प्लीट पेपर एंड इस वीडियो में हम लोग पार्ट वन में 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सेकंड वीडियो में हम लोग जो बचा हुआ है क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था, विच ऑफ द केमिकल्स लिस्टेड बिलो इज मोस्ट सुटेबल फॉर रिड्यूसिंग द इवेपोरेशन व्हेन अप्लाइड टू वाटर सरफेस। तो इसमें स्टराइल अल्कोहल और सेटाइल अल्कोहल दोनों ही हमारे केमिकल्स हैं जो हमारा वाटर के सर्फेस पर एक मॉलिकुलर लेयर बना लेते हैं विच रिड्यूसेस द इवेपोरेशन। तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन बी एंड सी होगा। रेफरेंस के लिए आप देख सकते हैं हाइड्रोलॉजी की सुब्रमण्य की बुक है जिसमें लिखा हुआ है कि सिटाइल अल्कोहल जिसको हेक्साडेकोनॉल और स्टराइल अल्कोहल जिसको ऑक्टाडेकोनॉल है, ये हमारे फॉर्म मोनोमोलिकुलर लेयर्स ऑन द वाटर सरफेस। तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एरिया बिटवीन द आइसो हाइट्स 40 सेंटीमीटर 55 सेंटीमीटर रेनफॉल के करस्पॉन्डिंग हमारा 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, 55 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर की रेनफॉल के लिए हमारा 120 स्क्वायर किलोमीटर हमारा आइसोहेडल एरिया है। एवरेज डेप्थ ऑफ प्रेसिपिटेशन हमें निकालना है फॉर दिस कंप्लीट एरिया ऑफ 220 स्क्वायर मीटर। तो आइसोहेडल मेथड में हम लोग क्या लिखेंगे, एवरेज एरिया मल्टीप्लाइड बाई ए टू पी टू बाई टोटल एरिया। तो ए वन जो यहां पर है वो दिया हुआ है 100 और ये दूसरा एरिया दिया हुआ है ए टू। अब इस एरिया को जो मीन रेनफॉल करस्पॉन्ड कर रही है वो हमारी हो जाएगी इन दोनों का एवरेज। P1 इज इक्वल टू 40 प्लस 55 बाई 2 और P2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 55 प्लस 70 बाई 2। इन दोनों को आप वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, एरिया की वैल्यू टोटल हमारी 220 बनती है। जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 55.68 सेंटीमीटर जो हमारी इस टोटल एरिया में जो एवरेज रेनफॉल है वो उसको डिपिक्ट करेगा। रेनफॉल इन 5 सक्सेसिव डेज, लगातार 5 दिन जो बारिश हो रही है इन टर्म्स ऑफ डेप्थ ये है। तो अगर इंटेंसिटी के टर्म्स में बात करें तो हमारी इंटेंसिटी ये हमारी पर डे हो जाएगी बिकॉज एक दिन में इतनी रेनफॉल हो रही है। इन्फिल्ट्रेशन इंडेक्स जो है कैचमेंट का वो हमारा 50 mm पर डे दिया हुआ है कि किस रेट से पानी हमारा इन्फिल्ट्रेट कर रहा है उस कैचमेंट एरिया में। और हमें सरफेस रन ऑफ निकालना है, तो सरफेस रन ऑफ बेसिकली ये होगा टोटल जितनी बारिश हुई माइनस 5 × t, ठीक है। तो इस 5t में करस्पॉन्डिंग हम केवल वही 5 लेंगे, रेनफॉल लेंगे जहां पर हमारा जो रेनफॉल हो रहा है वो 5 से ज्यादा है, रेनफॉल की इंटेंसिटी जो है वो हमारी 5 से ज्यादा है, अदरवाइज बिकॉज हमारा पानी सारा अंदर चला जाएगा। तो 120 50 mm पर डे से ज्यादा है, 60 mm पर डे भी हमारा इंटेंसिटी ऑफ इन्फिल्ट्रेशन से ज्यादा है, 40 mm और 20 mm हमारा सारा पानी जो है वो हमारा इन्फिल्ट्रेट करके अंदर चला जाएगा बिकॉज ये हमारा इन्फिल्ट्रेशन इंटेंसिटी से कम है। तो हमारा इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारी बनेगी वैल्यू 120 माइनस 55 रन ऑफ मल्टीप्लाइड बाई 1 day की रेनफॉल है, 60 माइनस 50 मल्टीप्लाइड बाई 2 बिकॉज अगला भी 60 है, इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 70 प्लस 20 यानी 90 mm एज द टोटल सर्फेस रन ऑफ। प्रोबेबिलिटी और रिकरेंस टाइम में जो रिलेशनशिप है दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो है वो 1 होता है, P इज इक्वल टू 1/t होता है। रिपेलिंग ग्रेवन का जो अरेंजमेंट है ये पानी को रिपेल करता है जब हम बैंक्स में इसको इंस्टॉल करते हैं। तो रिपेलिंग ग्रेवन क्या है, आपका ये अपस्ट्रीम है ये डाउनस्ट्रीम है रिवर का, पानी का फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है तो हम पानी को अवे फ्रॉम दी बैंक प्रोटेक्ट करना है तो हम इसको टूवर्ड्स दी अपस्ट्रीम रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब और हरियाणा जैसे स्टेट में जहां पे जो क्लाइमेटिक कंडीशन है हमारा ड्राई रहता है वहां पर एक्सेसिव इरिगेशन जो है वो सॉल्ट का डिपोजिशन टॉप लेयर में कर देता है, तो उस सैलिनिटी को सॉल्व करने के लिए हम लोग जिप्सम यूज करते हैं, ठीक है, ये आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है एयर की वो जैसे जैसे हम अल्टीट्यूड पे ऊपर जाते हैं तो हमारी जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है वो हमारी रिड्यूस हो जाती है, ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ दी वॉल्यूम ऑफ एयर। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर, एयर में हमारा वाटर वेपर्स कितना प्रेजेंट है ग्राम पर क्यूबिक मीटर इसकी यूनिट होती है एंड इट इज अफेक्टेड बाई टेम्परेचर प्रेशर एंड एल्टीट्यूड। जैसे जैसे हम एल्टीट्यूड ऊपर जाते हैं तो हमारा जो प्रेशर है एटमोसफेयर का वो डिक्रीज हो जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि एयर जो है वो हल्की होती जाती है, लेस डेंस हो जाती है एंड इट इस
इसकी वजह से जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है उसमें जो पानी होल्ड करने की कैपेसिटी है वो रिड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से हायर एल्टीट्यूड्स पे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी रिड्यूस हो जाती है। तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा। पीक फ्लड एस्टिमेट्स में व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ कांस्टेंट सी, जिसमें डिकेंस फॉर्मूले की जो वैल्यू है क्यू इज इक्वल टू सी ए की पावर 3/4। जो सी है ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का कैचमेंट के लिए आप इस फॉर्मूले को फ्लड एस्टिमेशन के लिए यूज कर रहे हो। तो जो सी की वैल्यू है ये डिफरेंट बुक्स में दी हुई है, जैसे हाइड्रोलॉजी की बुक में दिया है आपको कि नॉर्थ इंडियन हिली रीजन में आपका जो सी की वैल्यू है वो 11 से 14 होनी चाहिए, जनरली डी की वैल्यू 6 से 30 की हो सकती है। ठीक है, इसमें जो यूनिट है ये इंपॉर्टेंट है, डिस्चार्ज हमारा मीटर क्यूब पर सेकंड में है, एरिया हमारा किलोमीटर स्क्वायर एरिया में है। तो अगर एक और दूसरी स्टैंडर्ड बुक है जहां पर आप देखेंगे कि जो हमारा कैचमेंट विथ हिली एरियाज है वहां पर जो डिकन कॉन्स्टेंट है वो 14 से ऊपर होता है। ठीक है, और भी आप हिली एरियाज में जाएंगे तो 28 तक जाता है, इट इंक्रीजेस जैसे जैसे आप हिली टेरेन में जा रहे हैं, प्लेन में ये वैल्यूज कम होती हैं, हिली टेरेन में वैल्यूज बढ़ती जाती हैं। तो 14 से ऊपर केवल एक ही वैल्यू है, दैट इज 15। तो दिस इज द पॉसिबल वैल्यू जो कि हमारा फ्लड एस्टिमेट में आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो बर्नार्ड्स डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ है, इट इज अ प्लॉट विच एज अ टाइम ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। क्या रिप्रेजेंट करता है? वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करता है कि टोटल सर्विस रन ऑफ का कितना परसेंटेज हमारा उस पर्टिकुलर टाइम में फ्लो कर रहा है। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ है बेसिकली इट वॉज डिस्कवर्ड बाई बर्नार्ड, तो उसकी वजह से इसको हम बर्नार्ड डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ भी कहते हैं। इट रिप्रेजेंट अ यूनिट हाइड्रोग्राफ, ये हमारा यूनिट हाइड्रोग्राफ है, उसको हम लोग परसेंटेज ऑफ टोटल रन ऑफ, ये हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है टोटल रन ऑफ के डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल में कितना कितना परसेंटेज हमारा फ्लो हो रहा है उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ डेवलप कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा। विच मेथड गिव्स मोस्ट एक्यूरेट मेथड ऑफ एस्टिमेशन फॉर एवरेज रेनफॉल फॉर एनी काइंड ऑफ कैचमेंट विदाउट एनी प्रीरिक्विजिट्स। किसी भी टाइप के कैचमेंट के लिए हम आइसोहेडल मेथड यूज कर सकते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। जो कैनाल है जो एक ही साइड पे इरिगेट कर सकते हैं उसे कंटूर कैनाल बोलते हैं, बिकॉज लेवल में डिफरेंस होने की वजह से एक साइड का हमारा इरिगेशन नहीं हो पाता। ऑप्टिमम कोर वाटर डेप्थ जो है खरीफ की 17 सेंटीमीटर यानी डेप्थ दी है आपकी डेल्टा विथ एन अलाउड कोर वाटर पीरियड ऑफ 5 वीक्स। 5 वीक्स हमारा 35 डेज होता है। ठीक है, दिस इज बेस पीरियड। एंड आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर हमें निकालना है। आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर जो होता है ये हमारा ड्यूटी एट दी हेड कोर्स, ड्यूटी एट हेड कोर्स हमें निकालना है। तो ड्यूटी आपको पता है, यहां पर मैंने सॉल्व भी किया हुआ है इसको, यू कैन चेक, आई विल गेट इट सॉल्व। तो ड्यूटी जो हो गई हमारी 8.64 बी अपॉन डेल्टा हो गई। बी आप डेज में रख दो और डेल्टा हमारा मीटर में रख दो, तो आपका जो ड्यूटी आएगा वो आपका 1778.82 हेक्टेयर पर क्यूबिक्स आएगा, यानी इतने हेक्टेयर्स आपका एक क्यूबिक मीटर पर सेकंड से आपका इरिगेट हो जाएगा। बेस पीरियड आप 35 डेज रख दीजिए और डेल्टा हमारा 17/100 रख दीजिए, तो यू विल गेट आंसर सी एज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्यूटी ऑन कैपेसिटी को हम लोग फुल सप्लाई कॉफिशियंट बोलते हैं। अगर इसकी डेफिनेशन पे जाएं कि फुल सप्लाई कॉफिशियंट हमारा क्या होता है, फुल सप्लाई कॉफिशियंट को हम ड्यूटी ऑन कैपेसिटी बोलते हैं। इट इज डिफाइंड एज द एरिया टू बी इरिगेटेड ड्यूरिंग द बेस पीरियड डिवाइडेड बाई द डिजाइन फुल सप्लाई डिस्चार्ज ऑफ द चैनल एट इट्स हेड ड्यूरिंग इट्स मैक्सिमम डिमांड। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा। डेनीज इस पर हमारा टी शेप्ड अर्दन स्पेयर इस पर होता है, यूज इन इंडिया। हाइड्रोलिक जंप हमारा होता है जब हमारा सुपर क्रिटिकल से फ्लो सब क्रिटिकल में चेंज होता है। मैक्सिमम फ्लो हमारा एक्स शेप शीवर में तब होता है जब हमारा डेप्थ ऑफ फ्लो और टोटल जो वर्टिकल डायमीटर है उसका जो रेशियो हो 0.95 हो। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये जो सेप्टिक टैंक है इट इज अ सेटलिंग टैंक, इट इज अ डाइजेशन स्लज ट्रीटमेंट टैंक, इट इज नॉट अ एरेशन का पर्पस इसमें नहीं होता, बट इट इज अ वाटर टाइट टैंक। तो सेटलिंग टैंक यानी सेडिमेंटेशन का भी पर्पस आपका सॉल्व हो जाता है, डाइजेशन भी इसमें हो जाता है आपका। तो ये दोनों तो करेक्ट है, स्टूडेंट्स ने इसमें ऑप्शन ए करेक्ट किया है, लेकिन आपका 2 और 4 भी करेक्ट हो सकता है बिकॉज आपका इट इज अ वाटर टैंक। तो ऑप्शन 1, 2, 3, 1, 2, 4 तीनों ही करेक्ट है। रेफरेंस के लिए मैं आपको एक स्टैंडर्ड फॉरेन राइटर की बुक दिखा देता हूं, इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि जो सेप्टिक टैंक है ये हमारा एक लार्ज वॉल्यूम वाटर टाइट टैंक भी होता है। ठीक है, तो आप इसमें आप ऑब्जेक्शन रेज कर दीजिएगा बिकॉज में मल्टीपल ऑप्शन आर करेक्ट। जो नन ऑफ द ऑप्शन अगर हम देखें, टोटालिटी नन ऑफ ऑप्शन इज करेक्ट, तो मल्टीपल ऑप्शन इज करेक्ट। What is the fire demand of the city for 1 lakh population for Buxton formula? Buxton formula जो होता है हमारा 5
663 रूट पी होता है, पी हमारा 1000 में आप पॉपुलेशन फिल करेंगे तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो 56630 निकल के आती है फायर डिमांड की करस्पॉन्डिंग, कि हमें इतना डिस्चार्ज फायर डिमांड के लिए रखना है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉयल पाइप, वेस्ट पाइप और एंटी साइफनेज पाइप से मैच द फॉलोइंग करनी है। सॉयल पाइप बेसिकली वो होता है जिसमें हम लिक्विड वेस्ट को कैरी कराते हैं और इंक्लूडिंग ह्यूमन एक्सक्रीटा। वेस्ट पाइप में आपका लिक्विड वेस्ट होता है लेकिन ह्यूमन एक्सक्रीटा नहीं होता है। रेफरेंस के लिए भी मैंने यहाँ पर बुक दी हुई है आपको, बीसी पुनमिया में सॉयल पाइप में लिखा हुआ है कि इसमें ह्यूमन एक्सक्रीटा फ्लो कर रहा है, वेस्ट पाइप में इट कैरीज ओनली लिक्विड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट में आपका ह्यूमन एक्सक्रीटा नहीं आता। एंटी साइफनेज पाइप का ए हो जाएगा, प्रिजर्व द वॉटर शील ऑफ द ट्रैप्स थ्रू एक्सेस टू एटमोस्फेरिक एयर, और जो डी वेंट पाइप है प्रोवाइड्स फ्लो ऑफ एयर। तो अगर हम इसमें देखेंगे तो करेक्ट आंसर जो आएगा हमारा ऑप्शन बी आएगा। सीवेज ट्रीटमेंट यूनिट्स हम लोग एवरेज फ्लो के लिए डिजाइन करते हैं फ्रॉम कंसिडरेशन ऑफ इकोनॉमी, ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर है जिसका बीओडी कंसंट्रेशन दिया हुआ है और फ्लो दिया हुआ है। अब ये बीओडी कंसंट्रेशन वेस्ट वाटर का जो है 250 है और ये बीओडी डाउन स्ट्रीम में किसी दूसरे स्ट्रीम के साथ मिलता है जिसका बीओडी जो है वो 26.74 है। तो फ्लो ऑफ वेस्ट वाटर है, इसके लिए सिंपल आपको इक्वेशन यूज करनी है जहां से क्वेश्चन फ्रेम किया गया उसमें रिवर्स 26.74 दिया था और डिस्चार्ज हमारा 1.5 निकल के आता है। तो ये हमारी कंबाइंड कन्फ्लुएंस पॉइंट पे जो इक्वेशन है वो इस तरह की निकल के आती है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी आ जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में हमारा डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर बायोलॉजिकल फ्लॉक्स में कन्वर्ट कर देते हैं, डिसॉल्व्ड बीओडी ऑफ वेस्ट वाटर का हम रिमूवल करते हैं, बट डाइजेशन ऑफ स्लज इज नॉट अ प्रोसेस ऑफ एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। तो वन एंड टू विल बी द करेक्ट आंसर, डाइजेशन प्रोसेस हमारा डाइजेशन टैंक में होता है अलग से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस बताना है, तो पहले हमारा NH2Cl बनता है, फिर NHCl2 बनता है, फिर हमारा NCl3 बनता है, तो 2, 3, 1 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 24th क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने गड़बड़ी की है, इसको मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूं कि जो स्लज डाइजेशन है इसमें आपको इस स्लज डाइजेशन के प्रोसेस में आपको सीडिंग करनी पड़ती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये एयर पॉल्यूटेंट जो लिखा है गलत लिखा है, दैट इज मिक्स टाइप एंड दिस इज ये जो लिस्ट वन के ब्रैकेट में लिया है कंटेंट गलत दिया हुआ है। स्लज डाइजेशन में हमारी सीडिंग होती है, रेफरेंस के लिए अगर हम बुक देखें, सीडिंग इज द प्रोसेस जिसमें हम फ्रेश सीवेज को ऐड करते हैं जो प्रॉपरली ऑलरेडी डाइजेस्ट हो चुका है स्लज। तो सीडिंग ऑफ स्लज हमारी डाइजेशन ऑफ स्लज फेनोमेना से कनेक्टेड है। तो हमारा डी का तो वन होगा, डी का वन केवल एक ही ऑप्शन है बी। तो अगर इसके हिसाब से देखें तो A4 जो है रिसर्कुलेशन हमारा कॉन्टेक्ट बेड में जरूरत पड़ती है, ठीक है, एरोबिक कंडीशंस जो है हमारी बायोफिल्टर्स में होती है, अटैच्ड फिल्म ग्रोथ होती है इसमें, और स्लज डिस्पोजल में हमारा लैगिंग फेनोमेना होता है, इसके लिए लैगिंग टेक्नोलॉजी है बेसिकली एक, जिसमें आप देख रहे हैं इसमें सॉलिड वेस्ट और जो हमारा स्लज वेस्टेज है इसमें को हम लोग डिस्पोज करते हैं, लैगिंग टेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, माइक्रोबायोलॉजिकल एग्जामिनेशन में हम लोग इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म को टेस्ट करते हैं बिकॉज हम पैथोजेनस जो हमारे माइक्रोब्स हैं जो बीमारी कॉज कर रहे हैं वो हम डिटेक्ट नहीं कर पाते और उन्हें आइसोलेट करना डिफिकल्ट होता है। तो हमारा दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और आर हमारा इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ट्रैप प्रिवेंट्स ट्रांसमिशन ऑफ अनफेवरेबल ऑर्डर्स, यानी जो हमें बदबू पसंद मतलब जो स्मेल हमें पसंद नहीं, दैट इज अनफेवरेबल ऑर्डर्स, जो वॉशरूम से अनफेवरेबल ऑर्डर्स डेवलप हो रहे हैं, कौन सा ट्रैप लिविंग एरिया में आने से इसको प्रिवेंट करता है, तो दैट इज अ क्यू ट्रैप, ठीक है। तो दिस इज अ क्यू ट्रैप, ठीक है। तो क्यू ट्रैप की अगर डेफिनेशन देखेंगे तो विल गेट करेक्ट आंसर एज सी। ट्रांजिशन ऑफ सीवर में जब हम स्मॉलर डायमीटर से लार्जर डायमीटर में जाते हैं तो कॉन्टिन्यूटी ऑफ सीवर जो है सीवर के क्राउन पे हम मेंटेन करते हैं। फोटोकेमिकल स्मोक में हमारा ओजोन पैन और नाइट्रोजन ऑक्साइड तीनों मिलके हमारा पैन कॉज करते हैं। एरेशन इज नॉट अफिलियेटेड टू कोगुलेशन, बहुत है डिफरेंट प्रोसेसेस, ये तीनों हमारे करेक्ट है, तो 1, 2, 4 हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 30 का जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन सी होगा, इन्होंने दिया हुआ है। रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पर मड बॉल का फॉर्मेशन, ठीक है, सैंड इनक्रस्टेशन में आप देख पा रहे हैं, सैंड इनक्रस्टेशन में हम कैल्शियम कार्बोनेट हेक्सामेटाफॉस्फेट सॉल्ट से हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ठीक है, ताकि जो हमारी सैंड डिपोजिशन हो गई है वो हट जाए। तो सैंड इनक्रस्टेशन में आप देखेंगे कि हमारा वॉशिंग द फिल्टर विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड और ब्लीचिंग पाउडर अकेजनली आपको करते रहना है। मडफॉल फॉर्मेशन में आप
कंप्रेस्ड एयर स्काउरिंग करोगे एट द टाइम ऑफ बैक वॉशिंग, एयर बाइंडिंग डेवलपमेंट में वाटर ड्यूरिंग द फिल्टर ऑपरेशन आप इंक्रीज कर दोगे, ठीक है, एयर बाइंडिंग के फिनोमिना में आप थ्रू बैक वॉशिंग विद सॉल्ट सॉल्यूशन आफ्टर सोकिंग द फिल्टर इन इट। तो हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ए टू बी का, सॉरी फोर, बी का फोर, मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया आपको, बी का फोर आएगा, सी का वन आएगा एंड डी का जो आएगा वो थ्री आएगा, ठीक है। जो स्लाइम ग्रोथ है वो हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से वॉश कर रहे हैं, सॉरी थ्री बैक वॉशिंग कर रहे हैं, स्लाइम ग्रोथ जो है आपकी बैक वॉशिंग से हम क्लियर कर रहे हैं आफ्टर सोकिंग द फिल्टर इन इट, ठीक है, ताकि हमारी ग्रोथ फर्दर प्रमोट ना हो। मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी को हम गेस्ट थ्योरी बोलते हैं। इसके बाद हमारा प्रिंसिपल स्ट्रेसेस दी हुई है, सिग्मा वन मान लेते हैं, सिग्मा टू मान लेते हैं, सिग्मा थ्री हम जीरो दी हुई है, 1840 और यील्ड स्ट्रेस दिया हुआ है सिग्मा वाई इक्वल टू 200। हमसे मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी और मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी के अकॉर्डिंग फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालने को बोल रहा है। तो यहां पर हम लोग देख लेते हैं, दो कंडीशन है, ये मैक्सिमम जो वैल्यूज होंगी मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस की, तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस शुड बी लेस देन सिग्मा वाई बाई टू, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस यील्ड स्ट्रेस के करस्पॉन्डिंग सिग्मा वाई बाई टू होगा एंड दिस विल बी फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो हमारा सिग्मा वन बाई टू अगर हम माने तो यहाँ पे तीन कंडीशन बनेगी, 80 माइनस 40 डिवाइडेड बाई टू, 80 बाई टू 40 बाई टू, ठीक है, तो ये हमारा 40 आया, 20 40 20, ठीक है, दिस शुड बी लेस देन सिग्मा वाई हमारा जो है 200 बाई टू हो गया एफ ओ एस, ठीक है, तो एफ ओ एस शुड बी लेस देन आर इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 20, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी हमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वो अडॉप्ट करनी, तो इससे हमारा 5 आ गया। प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी में आपने जब अप्लाई किया तो सिग्मा वाई हमारा 200 था, जो मैक्सिमम वैल्यू है जो एफ ओ एस की वैल्यू आएगी वो मिनिमम वैल्यू के लिए आपको मैक्सिमम सिग्मा वन यूज करना पड़ेगा विच इज बेसिकली 80 40, मिनिमम वैल्यू यूज करेंगे तो इट विल बी 5, तो हमारा दोनों केस के लिए हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी 5 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शियर स्ट्रेस एट न्यूट्रल एक्सिस कितना होगा, एक आइसोसेलस ट्राइंगल है, इसके न्यूट्रल एक्सिस पे हमें शियर स्ट्रेस पूछा जा रहा है, इट इज टेकन एज 4/3 टाइम्स द एवरेज वैल्यू, ठीक है, तो एवरेज वैल्यू हमारा कितना होगा, वी अपॉन एरिया हमारा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस 40 mm है, हाइट हमारा 20 mm है और शियर फोर्स जो दिया है 3000 newton दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व करोगे विल गेट 10 MPa एज द शियर स्ट्रेस। एक शाफ्ट दिया हुआ है हमारा हाइड्रोलिक टरबाइन का, जिस पर हमारा टॉर्क एक्ट कर रहा है 5 pi का और एक कंप्रेसिव लोड एक्ट कर रहा है 100 pi का और इसका जो डायमीटर दिया हुआ है वो 100 mm दिया हुआ है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालनी है, तो यहां पर कंबाइंड स्ट्रेसेस डायरेक्ट शियर स्ट्रेसेस एक्ट कर रही हैं, तो इसके दोनों के करस्पॉन्डिंग आपको जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होगा दैट विल बी गिवन बाय सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू अपॉन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर प्लस शियर स्ट्रेस जो हमारा एक्स वाई प्लेन पे एक्ट कर रहा है। तो सिग्मा एक्स यहाँ पे आपका, यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन दिया हुआ है ऑलरेडी, तो आपका एक्सियल स्ट्रेस लोड अपॉन एरिया निकल के आ जाएगा सिग्मा वन, ठीक है, सिग्मा टू आपका दूसरे डायरेक्शन में बिकॉज एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेसेस है, सिग्मा टू जीरो हो जाएगा। शियर स्ट्रेसेस हमारा सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट के लिए 16 T/π d³ हो जाएगा, तो 80 आ जाएगा, ये 40 आ जाएगा, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो होगा रेडियस ऑफ मोहर सर्कल होगा, इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 20√17 एज द करेक्ट आंसर। एक सॉलिड शाफ्ट दिया हुआ है जिसका डायमीटर डी है, लेंथ एल है, टॉर्क टी है, दूसरा शाफ्ट है सेम मटेरियल का सेम लेंथ का लेकिन डायमीटर उसका हाफ है, बट सेम टॉर्क को जब अप्लाई करेंगे तो एंगल ऑफ ट्विस्ट का जो रेशियो है इसके लिए मैंने टॉर्क आपकी जो इक्वेशन है टॉर्जन की वो आप यूज करोगे सिंपली, तो यू विल गेट दोनों का जो रेशियो है टी एल अपॉन जी जे, जी जे इज टॉर्जनल रिजिडिटी, ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा वो 16 आएगा। उसके बकलिंग लोड है वो हमारा पॉइजन्स रेशियो और क्रॉससेक्शनल एरिया पे डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है कि जो आपका स्लेंडरनेस रेशियो है वो और जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और एल आई से गवर्न हो रहा है हमारा स्लेंडरनेस रेशियो। हुप स्ट्रेसेस जो है वो टेंसाइल नेचर के होते हैं इंटरनल प्रेशर की वजह से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर एम मास दिया हुआ है इंक्लाइंड रफ प्लेन, यहाँ पे एक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, यहाँ पे भी फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, तो हम इसका एक दूसरा केस लेते हैं जब ये हमारा इस प्लेन पे होता तो उस समय हमारा बीटा एंगल होता,
तो अगर बीटा को यहाँ पे क्या कर दिया इन्होंने 90 डिग्री कर दिया, उस केस के लिए आपको इसमें निकालना है कि आपकी जो टेंशन है वो कितनी है। तो ये मैंने स्टैंडर्ड बुक का एक सॉल्यूशन दिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, ये बुक है डेविड जी रेनॉल्ड्स की। तो यहाँ पर आपकी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को आपने इक्विलिब्रियम ऑफ दोनों कंडीशंस पे इक्विलिब्रियम निकाला, सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ वाई जीरो किया दोनों मासेस के लिए, ठीक है, और उनको सॉल्व किया। तो आपका जो टी निकल के आता है वो ये निकल के आता है, अगर आप इसमें बीटा इज इक्वल टू 90 रख देंगे तो कॉस 90 जीरो हो जाएगा, साइन बीटा 1 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी जो इक्वेशन, तो हमारा करेक्ट आंसर एम वन एम टू जी ब्रैकेट में 1 प्लस साइन अल्फा माइनस म्यू कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई समीशन ऑफ बोथ द मासेस, तो ये करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद एक सर्कुलर 3 हिंज आर्च दी हुई है, अगर इसको हम डायग्रामेटिकली ड्रॉ करें, और इसमें एक वर्टिकल लोड, वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल डायरेक्शन में एक लोड एक्ट कर रहा है पर मीटर 100 किलोन्यूटन पर मीटर। हमसे बोला गया कि राइट स्प्रिंगिंग में हॉरिजेंटल फोर्स कितनी होगी, यहाँ पे ये एच ए एच बी होगा और यहाँ पे वर्टिकल रिएक्शन वी बी होगा। तो वर्टिकल रिएक्शन एट बी को हम क्या करेंगे, मोमेंट अबाउट ए ले लेंगे, तो विल सॉल्व एंड गेट वी बी इज इक्वल टू 80 किलोन्यूटन आ जाएगा। जब 80 किलोन्यूटन आ जाएगा तो वी विल टेक मोमेंट अबाउट सिग्मा एम सी इक्वल टू जीरो, तो इसको सॉल्व करोगे तो एच बी जो आएगा वो 200 किलोन्यूटन के इक्वल आएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा राइट स्प्रिंगिंग की बात कर रहा है, तो राइट स्प्रिंगिंग यानी दिस इज द राइट स्प्रिंगिंग, दिस इज राइट सपोर्ट। लेफ्ट में क्या होगा आपका एच ए प्लस एच बी जो होगा वो हमारा 100 इंटू 8 हो जाएगा, तो एच ए जो आएगा वो निकल के वो आपका 800 माइनस 200 यानी 600 किलोन्यूटन आएगा। लेफ्ट स्प्रिंगिंग में 600 किलोन्यूटन का लोड है, तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा। थिन स्फेरिकल मास ऑफ एम रेडियस आर के लिए अबाउट इट्स डायमीटर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो 2mr² / 3 होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंपली सपोर्टेड बीम में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना है जब ग्रेजुअली वेरीड लोड है, तो हमारा जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है वो कहां पर आएगा, इसके लिए हम लोग को डेरिवेशन करना पड़ेगा। तो मैक्सिमम लोड जो आता है वो हमारा इस लोड कंडीशन के लिए निकल के आएगा 0.5771 पे। तो आपको बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन लिखनी है, एक्स की जो वैल्यू है 0.577L की दूरी पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिलेगा, विच इज गिवन एज WL² / 9√3। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू स्पैन कॉन्टिन्यूस बीम है हमारी, इस पे हमारा UDL एक्ट कर रहा है W यूनिट लेंथ का, इक्वल स्पैन है हमारे पास LL शेप के। तो यू कैन सी अगर ये कॉन्फ़िगरेशन है तो हमें जो सपोर्ट रिएक्शन होगा, ये जो डिफ्लेक्शन होगा डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन और जो अपवर्ड डिफ्लेक्शन होगा, इसको कंपेटिबिलिटी इक्वेशन से इक्वेट करोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा, या आप देख पा रहे हैं R2 की जो वैल्यू है यहाँ पे, अगर हमारा WL लोड है और हर इंडिविजुअल स्पैन की लेंथ L है जैसा कि क्वेश्चन में दिया है, तो जो R2 की वैल्यू है वो 10WL/8 यानी 5/4 निकल के आती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है करेक्ट आंसर 5WL/4 होगा। स्टैटिक इंडिटरमिनेसी के केस में आपको, बिकॉज यहाँ हिंज कंडीशंस दी हुई हैं, तो बीम्स के केस में हमारी जो स्टैटिक डिटरमिनेसी है दैट इज इक्वल टू स्टैटिक एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी माइनस ऑफ अगर हमारे पास इक्वेशंस अवेलेबल है, तो नंबर ऑफ इक्वेशन हमारे एम माइनस वन से निकल के आते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक्सटर्नल जो इंडिटर्मिनेसी होगी R-3 होगा, यहाँ पे लोडिंग कंडीशन नहीं दी हुई है, तो वी कंसीडर हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लोडिंग, तो वर्टिकल रिएक्शंस हॉरिजेंटल रिएक्शंस भी कंसीडर करते हुए 6 हमारी ये हो जाएंगे, -3 ये 3 आ जाएगा, और जो M-1 है इसकी वजह से 2 हिंज कंडीशंस हैं, तो DSE 3-2-1 बिकॉज 2 सपोर्ट्स यहाँ कनेक्ट कर रहे हैं -ऑफ +2-1, तो हमारा जो स्टैटिक इंडिटरमिनेसी बनेगी वो 1 बनेगी इस बीम के लिए। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंटिलीवर बीम है, ये गेट का क्वेश्चन है जिसमें एंड की जो रिजिडिटी है वो इनफिनाइट रिजिडिटी है और इसकी जो रिजिडिटी है आई है, तो हमें डिफ्लेक्शन और स्लोप निकालना है। तो ये ऑलरेडी स्टूडेंट्स ने प्रैक्टिस कर रखा होगा, डिफ्लेक्शन एट क्यू और स्लोप एट क्यू निकाला हुआ है, इसमें यू कैन सी कि जो करेक्ट आंसर आएगा हमारा ऑप्शन ए आएगा, 5WL³/6i and 3WL²/2EI। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीम फिक्स्ड एट द एंड्स एंड सब्जेक्टेड टू लेटरल लोड्स ओनली इज स्टैटिकली इंडिटरमिनेट एंड डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी इज, तो ये भी मैंने सॉल्व किया हुआ, बिकॉज यहाँ पे एक ही डायरेक्शन में लोड लिए हुए हैं, तो विल नॉट कंसिडर द हॉरिजेंटल लोड्स, ये वाले लोड्स हम नहीं लेंगे, तो हमारे 2 सपोर्ट रिएक्शन गायब हो जाएंगे,
ठीक है, तो डी एस सी इज इक्वल टू आर माइनस टू, बिकॉज हॉरिजेंटल डायरेक्शन में हम नहीं ले रहे हैं, तो हमारी जो इक्विलिब्रियम इक्वेशंस है वो हम दो लेंगे और रिएक्शंस हम चार लेंगे, तो फोर माइनस टू यू विल गेट टू एज द स्टैटिक डिटरमिनेसी ऑफ सच बीम। एक कंक्रीट मिक्स है जो कि हमारी 25 के लिए हमें डिजाइन करनी है, और ये कहा गया कि 5% सैंपल है जो कि हमारे 25 मेगापास्कल से कम होंगे, इसका मतलब ये जो स्ट्रेंथ है ये एफ सी के स्ट्रेंथ है, और ये 5% सैंपल जो है वो 5 मेगापास्कल से ज्यादा नीचे होंगे, मतलब ये हुआ कि उन सभी की स्ट्रेंथ हमारी 20 से कम होगी, यानी अगर 100 क्यूब आपने टेस्ट किए तो 5 क्यूब ऐसे हैं जिनकी स्ट्रेंथ आपकी 20 मेगापास्कल से नीचे आ रही है। ठीक है, तो ये आपकी कंफ्यूजन आपको ध्यान रखना है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें गड़बड़ी कर देते हैं कि इसको एफ सी के लिया जो कि मैंने आपको बताया, बट ये एक्चुअल में एफ सी के नहीं है, बिकॉज आप अगर ध्यान से सुनोगे ध्यान से पढ़ोगे तो इसमें लिखा है 5% ऑफ द सैंपल्स आर हैविंग क्यूब स्ट्रेंथ बिलो 25 मेगापास्कल बाय मोर देन 5 मेगापास्कल, इसका मतलब 5% सैंपल ऐसे हैं जो इस डिजाइन स्ट्रेंथ से 5 मेगापास्कल नीचे जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि 20 मेगापास्कल के नीचे हमारे 5% है, तो हमारी जो एफ सी के की वैल्यू हुई वो 20 मेगापास्कल हुई ना कि 25 हुई। ठीक है, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ की जो डेफिनेशन है उसमें यह है कि उस स्ट्रेंथ से केवल हमारे 5% सैंपल फेल हो सकते हैं जिनकी स्ट्रेंथ उससे कम होगी, तो इसमें हमारा 20 मेगापास्कल हमारी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ हो जाएगी, तो हमारी टारगेट मीन स्ट्रेंथ जो निकल के आएगी वो 20 + 1.65 5% प्रोबेबिलिटी के करस्पॉन्डिंग जो फैक्टर है 1.65 मल्टीप्लाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये सॉल्व करोगे आप तो 20 + 5 5 = 25 5 6 30 2 32 5 3 8 तो यू विल गेट 28.25। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट ये आपको 33 बताएंगे क्योंकि आपकी करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ आपने ये ले रखी होगी, बट करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। ठीक है, लैंग्वेज और कंसेप्ट यहाँ पढ़ने जरूरी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हिस्टोग्राम दिया हुआ है, इसमें 40 क्यूब्स आपके दिए हुए हैं कि साइड्स पे आपने कास्ट किए और एक हिस्टोग्राम बनाया। हिस्टोग्राम में बेसिकली क्या करते हैं, स्ट्रेंथ की ग्रुपिंग्स कर लेते हैं, इसमें इसका मतलब ये हुआ कि ये 19 है, ये 20, यानी 19 से 21 मेगापास्कल के जो क्यूब्स हैं वो एक क्यूब है, फ्रिक्वेंसी का मतलब है कि उस रेंज में कितने क्यूब्स आ रहे हैं, तो 19 से 21 एक क्यूब आया, 21 से 23 जो है वो हमारा दो आया, फिर 23 से 25 आपका भी दो आया। ठीक है, और ये टोटल क्यूब्स कितने हैं आउट ऑफ 40, तो इसका मतलब 19 से 21 का जो मीन वैल्यू है इसके करस्पॉन्डिंग जो आपकी प्रोबेबिलिटी हुई वो 1/40 हुई, इस रेंज के में क्यूब में आने का जो प्रोबेबिलिटी है वो 2/40 हुई, फिर से इस रेंज में जो हमारे 23 से 25 आ रहे हैं उसकी भी हमारी 2/40 हुई। ठीक है, अब लेकिन क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी की जो स्ट्रेंथ है वो 25 मेगापास्कल से कम आएगी, तो हम डिमार्केशन कर लेते हैं कि ये 25 मेगापास्कल है, तो हिस्टोग्राम का जो ये वाला एरिया है ये पूरा, इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारी फ्रिक्वेंसी डेंसिटी थी उनका समीशन आप करोगे तो ये हमारी इसके नीचे जितने क्यूब्स आ रहे थे उनके करस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी बनी 1/40 + 2/40 + 2/40, तो ये आपके आ गया 1/8, तो प्रोबेबिलिटी हमारी हो गई 0.125। ठीक है, हिस्टोग्राम की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये है कि आपकी जो ये विड्थ है ये वेरी करती है, वेरी कर सकती है, यहाँ पे इक्वल है लेकिन ये वेरी कर सकती है। ठीक है, और जो उसका एरिया होगा वो दिखाएगा कि उसके अंदर इसके अंदर का, बिकॉज इसी से हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनता है। ठीक है, तो जो हम लोग लिखते हैं कि 5% प्रोबेबिलिटी, तो हम निकालते हैं कि इधर से जितना एरिया है वो 5% ऑफ द क्यूब्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसी तरह तो जो इसका एरिया आप निकालोगे तो हिस्टोग्राम का आप एरिया निकालने के लिए आप फ्रिक्वेंसी से फ्रिक्वेंसी परसेंटेज निकाल लोगे विथ रिस्पेक्ट टू डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी। लिमिटिंग परसेंटेज ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस निकालना है, करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ दिया है 550 और M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट दिया है, तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला आपने पढ़ रखा होगा, जो लिमिटिंग परसेंटेज ऑफ रेनफोर्समेंट है 41.38 FCK upon FY XU max by D, इसका आपको ये फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, तो आपको FCK की वैल्यू 25 रख देनी है, FY की वैल्यू 550 रख देनी है, इसको सॉल्व करोगे तो विल गेट 0.83। Which of the following statement is correct for design of RCC section
अकॉर्डिंग टू लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। तो इसके लिए आपका आई एस 456 अवेलेबल है। इंपॉर्टेंट चीज है, आरसीसी सेक्शन के डिजाइन की बात कर रहे हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर की नहीं बात कर रहे हैं। कोई भी आरसीसी का जो एलिमेंट है, उस मेंबर है, उसको डिजाइन करना है, तो जो मैक्सिमम स्ट्रेन है आउटरमाइस्ड कंप्रेशन फाइबर पे वो 0.35% लेना है इरिस्पेक्टिव ऑफ ग्रेड ऑफ कंक्रीट। और जो रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस स्ट्रेन कंक्रीट है वो हम पैराबोलिक अज्यूम करते हैं विथ मैक्सिमम स्ट्रेस इक्वल टू 0.446, जो कि स्टैंडर्ड बुक में भी लिखे हुए हैं। स्टूडेंट्स इसको कंफ्यूज हो रहे थे कि यहाँ पे हमारा 0.67 होना चाहिए, लेकिन हमारा ये एक्चुअली डिजाइन की बात कर रहा है, तो 0.446 होगी, बिकॉज वी हैव टू इनकॉर्पोरेट पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ऑफ 1.5, ठीक है, वो स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ होती है 0.67। तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा ऑन बोथ 1 और 2 होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक फ्लोर है जिसकी थिकनेस टी दी हुई है, मोनोलिथिक कास्ट है, रेक्टेंगुलर कॉन्टिन्यूस बीम ऑफ स्पैन एल में विड्थ बी है, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर एल है, तो इफेक्टिव विड्थ ऑफ कंप्रेशन फ्लैंज एट कॉन्टिन्यूस सपोर्ट इज एल नॉट बाई 6 प्लस विड्थ ऑफ वेब इज बेसिकली बी एंड 6 टाइम्स द थिकनेस। तो बी हमारा कैपिटल बी दिया हुआ है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। अपने कमेंट जरूर करिए किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।